नमस्कार। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, एक ऐसा शब्द जिस पर शायद हमारे सारे रिश्ते टिके हुए हैं। हर इंसान अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से किसी ना किसी तरह की एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखता है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी भी किसी से कोई उम्मीद ना रखी हो। देखिए, हम इंसान हैं तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन रखना ठीक है, क्योंकि इसके बिना शायद हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी ना लगे। लेकिन जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं तो यही एक्सपेक्टेशन हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। हमारी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशन को कम्प्लीट करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, और वहीं जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हमें बहुत दुख भी होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जिनका ध्यान रखकर हम अपनी एक्सपेक्टेशन के लिमिट को बनाकर रख सकते हैं। दूसरों से कभी भी यह एक्सपेक्ट मत करो कि वह आपके अकॉर्डिंग काम करे। इंसान का अपना सोचने का एक तरीका होता है, काम करने का भी अपना एक तरीका होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है चीज़ों को समझने का। अपने आसपास के लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वह आपको हर वक्त समझे और आपकी हर बात से सहमत हो। किसी से भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि वह हमेशा आपको खुश रखे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई दोस्त है जो हमें टाइम दे रहा है, जो हमारी बातों को समझ रहा है और जो हमें समझ रहा है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि उसकी अपनी भी एक लाइफ है, उसकी अपनी भी काम की प्रायोरिटीज़ हैं। तो वह हर वक्त हमारे साथ रहे ये ज़रूरी नहीं। तो ऐसा सोचना बंद कर दे कि वह मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। दूसरों से हमेशा यह एक्सपेक्ट ना करें कि वह आपको हमेशा प्यार करे और आपकी केयर करे। ज़िंदगी में हर वक्त परिस्थितियाँ एक समान नहीं रहती हैं, वक्त और ज़रूरतें दोनों बदलते हैं। कोई भी इंसान अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर भी करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह हमें डांट भी लगाते हैं और हम पर गुस्सा भी करते हैं। तो बिहेवियर कैसा होगा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। दूसरों से यह एक्सपेक्ट करना कि वह हमारी रेस्पेक्ट करे यह भी गलत है। हर किसी व्यक्ति का हमें लेकर एक अपना नज़रिया होता है और वह उसी अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। इसलिए इस बात को सोचकर कभी भी दुखी नहीं हो कि सामने वाला इंसान मेरी रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अपने आसपास के लोगों से यह उम्मीद ना रखें कि वह आपको हर वक्त और हर सिचुएशन में समझे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी रिलेटिव या फ्रेंड की प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह हमें भी समझे और हमारी ही तरह सोचे और हमें समझे, क्योंकि हर किसी का अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। किसी रिलेटिव या दोस्त से ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वह कभी भी हमारे लिए ना बदलें। हम इंसान हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल ही जाते हैं, तो ऐसी बातों को दिमाग में रखकर अपने आप को परेशान ना करें। और साथ ही यह हमेशा ध्यान रखें कि हर इंसान की अपनी परिस्थिति होती है, लाइफ के कुछ संघर्ष होते हैं, सक्सेस और फेलियर होने की अपनी एक जर्नी होती है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए सबसे पहले खुद को समझें, फिर अपने अकॉर्डिंग ही दूसरों को भी समझें। और अगर कोई अननेसेसरी आपसे एक्सपेक्टेशन रखे और वो चाहे कि आप उसे पूरा करें, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं ना। तो फिर क्या हमें ये हक है कि हम दूसरों से फालतू की उम्मीदें रखें? तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। धन्यवाद।